ओके सोनालिका, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ शिक्षा। आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। अभी लॉकडाउन में कैसे हो सकते हैं हम सभी? एक्चुअली लॉकडाउन में घर के अंदर रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, जैसे मैं और आप हैं अभी घरों के अंदर में। मुझे बताइए, सबसे खास बात कि इस लॉकडाउन को कितना एंजॉय कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किचन में कितना समय दे रही हैं, क्या नया सीखा, और आप हैं कहाँ पे? मैं तो फिलहाल अभी अपने घर पे हूँ और किचन में समय थोड़ा बहुत दे रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं दे रही हूँ। लेकिन जिस टाइम पे मेरा एक्चुअली आई वाज मतलब साल की जो शुरुआत हुई थी तो कंटिन्यूअसली आई वाज ऑन माय वर्क, तो मैं सोच भी रही थी कि द मोमेंट मैं अपने फिल्म से जब कंप्लीट करके मुंबई आऊंगी तो मैं अपने आप के ऊपर वर्कआउट करूंगी। आई वॉज प्लानिंग फॉर दिस टू वर्कआउट ऑन माई सेल्फ, बट आई वॉज नॉट नोइंग कि ये आ जाएगा कोरोना और इतना हार्श इम्पैक्ट रहेगा कि मोर देन यू नो 30 डेज अभी होने को जा रहे हैं, तो बस अपने ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ मोस्टली। आप कहाँ हैं अभी? मुंबई में फैमिली के साथ? हाँ मुंबई में हूँ फैमिली के साथ। आप कहाँ पर हैं? नहीं, मैं भी मुंबई में फैमिली के साथ। तो अभी अभी तो घर में कैसे, हमारे सर्वेंट भी नहीं आ सकता, कुछ नहीं। तो सोनालिका इसमें से क्या कर रही है? पोछा लगा रही है, बर्तन धुल रही है। या हाउस क्लीनिंग ऑब्वियसली यस, जैसे कि आप ये देख सकती हैं कि हाउस में ये मेरा कमरा है, तो एटलीस्ट पूरा हाउस क्लीन नहीं लेकिन ये है कि मैं अपना कमरा जरूर साफ कर रही हूँ, बिकॉज अब क्लीन को तो स्वच्छ भारत अभियान भी तो अपने घर के अंदर में चलाना ही चलाना है, मोदी जी का ये भी फरमान पूरा करना है, तो 2 गज की दूरी और स्वच्छ भारत अभियान। सोनालिका, कौन कौन सी आपकी फिल्में अभी इस लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई हैं, या जिनकी शूटिंग रुकी हुई है, जिसके जो अभी ये लॉकडाउन नहीं होता तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट हो चुकी होती? या नो डाउट नो डाउट। एक्चुअली मेरी अभी 3-4 ऐसी फिल्में थी जिसके लिए मुझको डबिंग के लिए जाना था और मेरे पास कॉल आया था कि द मोमेंट मैं जौनपुर में शूट कर रही थी और जौनपुर से जैसे ही मुझको आना था तो 3-4 फिल्मों की मुझको डबिंग करनी थी, अब मेरी डबिंग रुक गई है। एंड मेरी एक फिल्म सड़क और धनिया, ये दोनों जो थी वो अभी ट्रेलर वगैरह उसका लॉन्च होना था और उस फिल्म में मेरे अपोजिट राजू सिंह माही जी हैं तो वो फिल्म आनी थी, और रितेश जी के साथ, रितेश पांडे जी के साथ मेरी एक फिल्म शूट होनी थी और उस वजह से लॉकडाउन की वजह से नहीं शूट पे मतलब कि नहीं जा पाई। तो आई गेस मैं जौनपुर से मुंबई आई हूँ 21 को, 21st of March, और 22 मार्च से जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि क्या हो रहा था, और 1 अप्रैल से मुझको उनके साथ शूट पे जाना था रितेश पांडे जी के साथ। रॉबिन हुड पांडे, अगर मैं सही हूँ, शायद इस फिल्म का नाम है। या नहीं, रॉबिन हुड पांडे मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये फिल्म का नाम था पटना टू पंजाब, सॉरी यूपी टू पंजाब, या यूपी टू पंजाब। सोनालिका, अगर सोनालिका की बात करें तो बहुत ही कम समय में एक खास जगह बना ली। सोनालिका ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे सोचा आपने आने के बारे में? थैंक यू सो मच। भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत प्लानिंग मेरी पहले से चल रही थी व्हेन आई वाज डूइंग टीवी, जब मैं टीवी कर रही थी, और टीवी में एक थोड़ा मोनोटोनस थोड़ा एक टाइम के बाद हो जाता है और वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल मुझको ज्यादा करना पड़ रहा था, और जब भोजपुरी के मैं देख रही थी कि काफी चीजें बदल गई पिछले 5 सालों से लेकर के 2018 में जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था भोजपुरी को लेकर के, तो मेरे कितने टीवी एक्टर्स जो अच्छे नोन थे वो चले आए भोजपुरी में, एंड दे वर सेइंग टू मी कि तुम्हें भी भोजपुरी ट्राई करना चाहिए, तो मुझे लगा कि ओके। और थैंकफुली यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और फरवरी में मेरी सर्च जारी रही और शुरुआत मतलब मैंने की, और उसके बाद अप्रैल 2018 में प्रदीप शर्मा सर, बाबा मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर हैं वो, और उनके फिल्म राज तिलक में मुझको काम करने का मौका मिला, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं रजनीश मिश्रा जी, फिर एक्टर अरविंद अकेला कलू जी, बाकी जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो सब अपने में मंझे हुए थे, तो आई गेस आई वॉज वेरी लकी और इस इंडस्ट्री से मुझको काफी प्यार मिला, नो डाउट। थैंक यू। सोनालिका, वर्कआउट कैसे कर पा रही है घर में? आप मेरे पीछे देख सकती हैं योगा मैट है, तो योगा मैट को बिछा करके जो भी वर्कआउट करना रहता है तेज साउंड के साथ वो वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि कंपाउंड में भी हम लोग टहल नहीं सकते,
बिकॉज प्रॉब्लम इज वॉट कि अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो ही मेन प्रॉब्लम है. कोरोना का यही सबसे बड़ा जो बैड इम्पैक्ट आप कह सकते हैं. तो वी कांट वॉक ऑन द रोड, कुछ भी नहीं कर सकते. तो बेहतर है कि घर में जितना कुछ वर्कआउट हो सके. तो मैं स्ट्रेच योगा ज्यादा कर रही हूँ और मुझको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल अगर बनाना है तो मुझको वैसे भी ये अपना पावर योगा हुआ वो बहुत सही रहता है कि आपके डांस के टाइम पर आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है. बिकॉज जिम में अगर आप बहुत वेट लिफ्टिंग करते हैं नो डाउट आपकी बॉडी शेप कर्व्स बहुत अच्छे आ जाते हैं नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी बिल्कुल हैवी हो जाती है. अभी मैं बस कोशिश करूँ कि ये जैसे यहाँ पर मेरा है तो एक शोल्डर बोन जो एक होता है कॉलर बोन, वो कॉलर बोन एटलीस्ट दिखना चाहिए. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कुछ ऐसा वर्कआउट करूँ कि पहले कॉलर बोन दिखना शुरू हो जाए. तो ये योगा से हो रहा है. दैट्स इट. सोनालिका, जैसे कि आपने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, ये कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ व्हेन लॉकडाउन, तो बहुत सारे भोजपुरी एक्टर ने बहुत कुछ किया बहुत. तो आप क्या कहना चाहेंगी, बहुत सारे एक्टर जो बाहर आए जो मदद कर रहे हैं, जैसे रवि जी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं. सो इस पर आपका क्या कमेंट है? आप भोजपुरी का एक अहम हिस्सा है आप. जी, मुझको बहुत खुशी हुई ये देख करके कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे जितने भी मतलब एक्टर हैं, कलाकार हैं, वो सब अपने अपने तरफ से कोशिश करें कि जहां तक हो सके. क्योंकि रवि किशन जी कई सालों से काम कर रहे हैं और सांसद भी हैं, तो उनके ऊपर एक डबल जिम्मेदारी आ गई. तो अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, तो जिनका जितना बजट और जिनके हिसाब से जो चीजें कर सकते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं. तो मैं तो अभी बहुत नई नई हूँ और मैं भी यही सोच रही थी कि काश अगर ऐसी भगवान करे कभी ऐसा एपिडेमिक आए कभी भारत में, लेकिन कभी कुछ अगर ऐसा हुआ तो मैं वो चीजें जरूर करूंगी. लेकिन जो अपने तरफ से हो सकता है, जैसे कपड़े हुए, खाना हुआ, वो आप उसको जाकर के मैं रोड पे जो होते हैं उसको मैं दे देती हूँ. लेकिन वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, ताकि आदान प्रदान जो कोरोना का है वो चीजों को ध्यान पे रख करके. तो इन चीजों को तो मैं हाईलाइट कर नहीं सकती, बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसी अच्छी चीजें हो और भगवान से तो हमेशा प्रे कर रही हूँ कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए. चूंकि ये लाइव वीडियो है, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा सवाल भी करेंगे, हम कोशिश करेंगे जल्दी आपसे मिलने की आफ्टर लॉकडाउन. वैसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया, बहुत सारे, तो सबसे पसंदीदा एक्टर आपका कौन सा है जिसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है? सबसे पसंदीदा और कंफर्टेबल, देखिए एज एन एक्टिंग परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं कहूँ तो मुझको रवि किशन जी बहुत अच्छा लगे, नो डाउट, बहुत ही अच्छे लगे. मतलब उनके साथ मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला. बिहाइंड द कैमरा वो मुझको काफी कुछ सिखाते थे कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसे नहीं, इस तरीके से एक्ट करना चाहिए. और उनमें जो ऑरा था ना, जैसे हम ये वाइब्स बहुत मायने रखता है, हम सभी कुछ जो भी यहाँ पर हैं, अगर धरती पे पैदा भी हुए तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, जो भी आप कह लें, तो उनका वो वाइब्स ऑरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा. और अगर फ्रेंडली, अगर आप जैसे कहा कि जो आपके सवाल था दूसरा कि रिकी आपको किन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगा, तो मैंने मोर देन नंबर ऑफ फिल्म्स, मोर देन फोर नंबर ऑफ फिल्म्स, टोटल फाइव अगर मैं कह सकूं, तो मैंने राजू सिंह भाई जी के साथ किया है काम. तो मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ. मतलब मुझको नहीं लगता कि हाँ मैं कुछ फिल्म का शूट कर रही हूँ. इट्स लाइक कि हाँ एज ऑफ हीरोइन मैं अपना इनपुट कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ लिबर्टी अगर मुझको दिखती है कि हाँ ये चीजें अगर अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ सीन्स और अच्छे आए, तो वहां पर मैं फ्री हूँ, बिल्कुल अपने इनपुट दे सकती हूँ. भले वो बात में एप्लीकेबल हो या ना हो, इट्स नॉट माय कॉल, लेकिन वो लोग सुनते हैं जरूर. सोनालिका, लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहिए? फैंस को बस यही कहना चाहूंगी कि प्लीज घरों के अंदर रहें. जब बड़े से बड़े कलाकार हों, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस हों, जितने भी दिग्गज लोग हों अपने कार्यक्षेत्र में, वो सब यही कह रहे हैं कि घरों के अंदर रहें तो ही देश सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा. क्योंकि घर से बाहर वो मौत का खौफ क्या होता है, उन डॉक्टर से पूछिए, उन नर्स से पूछिए,
सफाई कर्मचारी से पूछिए, पुलिस कर्मियों से पूछिए, मीडिया पर्सन से पूछिए, कितने सारे मीडिया को भी कोरोना वायरस का अटैक हो गया है, तो उनसे पूछिए कि वो चाह करके भी अपने घर के अंदर नहीं आ सकते, या आते भी तो बड़े डरे डरे से आते हैं। तो आई गेस सरकार ने हमारे लिए बहुत ही सेफ साइड और बहुत ही इजी ऑप्शन रखा है कि घरों के अंदर रहो, परिवारों के साथ रहो, जितना टाइम स्पेंड करना है परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। द मोमेंट कोरोना खत्म होता है और लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर अपने आप से प्रण ले लो कि इतना काम करेंगे कि देश हमारे जितना पीछे गया उसे बहुत ज्यादा आगे ले जाएंगे कोरोना की वजह से जो बैड इम्पैक्ट आ रहा है। सोनालिका, आपके आने वाली फिल्मों के लिए आपको ढेर सारी बधाई और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिक्षा, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सीने भोजपुरी के जितने भी फैंस क्लब देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू।